नमस्कार। भगवान ने इस संसार की सबसे उत्कृष्ट रचना बनाई इंसान, और उसको नीचे भेजा, जाओ एंजॉय करो। बुद्धिमान, शरीर से बलवान, सर्वगुण संपन्न, मगर नहीं, आदमी को तो भौंरिया है, ऊपर भी नीचे भी, उसको आराम नहीं, चैन नहीं। जरा बातें उसकी सुनिए। जब मकान बनाएगा तो कहेगा 5 स्टार होटल की तरह चाहिए, और अगर किसी अच्छी होटल में भी चला जाए, 5 स्टार में चला जाए, कहेगा घर जैसा खाना नहीं है। अरे लगता उतार के दूठो, बढ़िया शर्ट पहनवा दे। और देखिए, अच्छा खासा अकेला बैठा है, इंजॉय कर रहा है, कवारा आदमी। कवारे आदमियों की हिस्ट्री देखिए जरा, अगर नहीं, शादी करना, जब तक शादी न होगी परेशान रहा है, और एक बार शादी हो जाए तो पूरी जिंदगी भर परेशान रहा था, और बाद में पछताता है, बोला रे यार किसी ने हमको फंसा दिया। किसी ने नहीं, तुम्हारे बाप ने तुमको फंसा दिया। वो सोचता है कि हम भी लड्डू ये खाए हैं, ये हमारा लड़का भी खाए, परेशान हम खाए अकेले रहे। और शादी हो गई, फिर कहेंगे यार बच्चा नहीं होगा। अब ले बच्चा हो गया, जब बच्चा हो गया तो बोलेंगे अरे यार ये जल्दी से बोलने लगे, जल्दी से बड़ा हो जाए, और जब बोलने लगेगा तो सबको चुप करवा देगा, और बड़ा हो जाएगा तो जितने बड़े रहे वो सब छोटे हो जाएंगे। और देखिए जरा मजा, जब बच्चा पैदा होता है तो ननन बोलेगी अरे ये तो मेरे ऊपर गया, सास बोलेगी नहीं नहीं इसके जितने भी हाव भाव नक्श हैं सब मेरे ऊपर गए। और एक दिन उसको इतना लाड़ प्यार देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, और आप देखिए फिर वो खाना नहीं खाता बिगर मोबाइल के, रात को सोता नहीं है जब तक कैटरीना कैफ के 2-3 आइटम शाम न देखे। और जो दादा उसका कभी अपनी एनिवर्सरी में कभी एक ठो हाथ नहीं हिलाया कि नाचा नहीं है, उसको दिन भर नचाता है। हवाई जहाज चलवाएंगे, दादा को गधा बनाएगा, घोड़ा उसको ऊपर बैठेगा। और कई कई बच्चे तो आज के युग में इतने दुष्ट निकल जाते हैं कि पूछिए मत, तो जीना हराम का देते हैं बड़ों का। और एकदम कभी बच्चे जो होते हैं, कहा जाता है कि ये भगवान के रूप है, तो एक दिन एक बच्चा जो है अपनी दादी को पकड़ के उसकी चुटैया से इतना हिलाया, जब उसको चॉकलेट नहीं मिला, पूरा बाल वाल खोल के नोच दिया। पड़ोस की एक महिला आई, बोली अरे शकुंतला ये क्या हाल बना दिया है तुमने अपना। बोली मैंने नहीं बनाया, ये मेरे पोते ने बनाया। बोली क्या, तुम्हारे पोते ने? बोले हाँ बहन, क्या बताए, हमको तो समझ में नहीं आता कि हराम जाता गया किस पे।